नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पानीपत खटीमा राजमार्ग 64 पर रोडवेज बस से बचने के चक्कर में स्कूटी फिसलकर सड़क पर जा गिरी। स्कूटी सवार पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल हो गया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक सड़क पर गिरने से हृदय गति रुकने के कारण मौत हुई है। बुधवार को कोतवाली मुजफ्फरनगर के मोहल्ला खालापाड़ निवासी रईस अहमद अपने पुत्र जुनैद के साथ स्कूटी से मीरापुर किसी कार्य से गए थे। शाम के समय जब वे दोनों मीरापुर से मुजफ्फरनगर जा रहे थे, तभी पानीपत खटीमा राजमार्ग पर पिमोड़ा राजवाही की पुलिया से पहले पेट्रोल पंप के पास जाते ही मीरापुर की ओर से मुजफ्फरनगर डिपो की बस के चालक ने ओवरटेक कर बस निकाली। बस के बराबर से गुजरने पर स्कूटी चालक जुनैद संतुलन खो बैठा, जिससे स्कूटी फिसल कर जा गिरी। सड़क पर गिरने से पिता व पुत्र घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने रईस अहमद को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों का कहना था कि रईस अहमद हार्ट का मरीज था, इसलिए हृदय गति रुकने से रईस अहमद की मौत हुई है। हादसे की सूचना पर अन्य परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये अभी एक पेशेंट को लाया गया था करीब 4:30 बजे, जिसको फर्स्ट इंस्टेंस पे जब हमने इसका एग्जामिनेशन किया तो उसके ना दिल में हृदय गति थी और ना ही वो सांस ले रहा था। तो इसलिए उसको, क्योंकि उसके मृत्यु का समय लगभग जानने के लिए कि घर वालों से बात की, उन्होंने कहा लगभग 10 मिनट पहले की ये घटना है। तो हमने तुरंत ही CPCR करने का निर्णय लिया और हमने लगातार 20 मिनट तक, मैंने, हमारे दो फार्मासिस्ट हैं, इन्होंने लगातार 20 मिनट तक हमने CPCR किया। उसके बाद भी हम उसके हार्ट को रिवाइव नहीं कर पाए और ना उसको उसके फेफड़ों में सांस आनी शुरू हुई। तो इसलिए उसे लगभग 4:53 के आसपास हमने उसको मृत घोषित किया। कहाँ का मामला है सर? ये मामला कहाँ का था? जानसर थाने का मामला है। पुलिस, जानसर की पुलिस इनको लेकर आई थी और ये स्कूटी से किसी काम से जा रहे थे, तो किसी अज्ञात वाहन ने शायद इनको टक्कर मारी है। ये हार्ट के पेशेंट बताए जाते हैं और हो सकता है कि सिर में चोट तो लगी ही है इनको और उसके साथ ही इनकी हृदय गति, जिसे सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, उसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। तो बाकी अगर चाहते हैं तो वो पोस्टमार्टम करा के मृत्यु का सही कारण पता लगा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ADO ISP सुरेंद्र सिंह का घेराव किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के ब्लॉक 64 अध्यक्ष समर सिंह चौधरी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 64 ब्लॉक पहुंचकर ADO ISP सुरेंद्र सिंह का घेराव किया। बुधवार को बारिश के चलते भी भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष नहीं रुके। एक दिन पहले BDO संत प्रकाश का घेराव करने की सूचना देने के बाद ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक 64 अध्यक्ष समर सिंह चौधरी अपने निर्धारित समय के अनुसार भारी बारिश के बीच पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक परिसर में पहुंचे। हालांकि BDO वहां पर मौजूद न मिलने पर उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ADO ISP सुरेंद्र सिंह का घेराव किया और एक ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक 64 अध्यक्ष ने बताया कि भूमा रोड पर बस स्टैंड से SD इंटर कॉलेज तक ग्राम पंचायत की कैथोड़ा की आबादी से होकर गुजरती है। इस आबादी का गंदा पानी वर्षों से सड़कों पर भरा रहता है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों का गुजर बसर करना कठिन हो गया है। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि कैथोड़ा, भूमा व खेड़ी सराय 3 ग्राम पंचायत है, जिसमें 1 जनवरी 2021 से 20 मई 2021 तक ADO पंचायत पे ग्राम सचिव द्वारा कराए गए विकास कार्यों में लाखों रुपए की हेराफेरी की गई है। इन तीनों ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों का विवरण 19 जुलाई 2021 से पहले दिया जाए तथा विकास खंड में ग्राम सचिव मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसे लेते हैं, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने चेताया कि यदि 19 जुलाई तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन तोमर 19 जुलाई को जानसर तहसील में होने वाली महापंचायत के बाद ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ब्लॉक में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। BDO जानसठ विकास खंड अधिकारी जो हैं BDO साहब, उनको एक ज्ञापन दिया है। इसमें पिछले कई साल, 1.5 साल से समस्या चल रही, हमारी भूमा रोड जो है, जो मीरापुर से चलती है, उसमें किसोड़ों की आपत्ति पड़ती है, ग्राम पंचायत किसोड़ा की, उसका गंदा पानी 1.5 साल से हमारी सड़क पर भरा हुआ। वहाँ SD इंटर कॉलेज भी है, छात्र छात्राओं का नजर दिक्कत हुआ है। कई बार BDO साहब को कह लिया, कोई समाधान नहीं हो रहा। एक दूसरा जो मसला है, यहाँ 3 गांव भूमा, किथोड़ा और खेड़ी सराय, उसमें 1 जनवरी से और जो है 20 मई तक जो विकास कार्य करवाए गए ग्राम सचिव और ADO पंचायत द्वारा, ADO पंचायत उनके द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए, उसमें कई लाखों का घोटाले, एक उनका हमें ब्यौरा दिया जा। एक यहां कोई भी किसान मजदूर आवे, उसको जो है
यहाँ से एक मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी पैसे ले रहे हैं सचिव, वे ले लो क्या नाम उसकी आय प्रमाण पत्र कई करवा लो, उस पर भी पैसे चाहिए ना, जन्म प्रमाण पत्र पे भी चाहिए, परिवार रजिस्टर की नकल लेनी, मतलब घना बुरा हाल है। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने आज वीडियो साहब को ज्ञापन दिया और इसमें 19 तारीख तक ये इन समस्याओं का समाधान नहीं करते तो 19 तारीख की हमारी महापंचायत है जानसठ ब्लॉक में, जानसठ तहसील में, उसके बाद फिर हम अनिश्चितकालीन तालाबंदी और धरना यहीं करेंगे इस ब्लॉक में, जब तक इसका ये निस्तारण नहीं करेंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर के निकट विराट कोहली राजमार्ग पर एक कार ने साइकिल में टक्कर मार दी जिसमें साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए स्थानीय चिकित्सक के यहां भर्ती कराया जहां पर चिकित्सक ने गंभीर हालत के चलते उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। सिकंदरपुर निवासी आमिर पुत्र मुस्तफा अपनी साइकिल पर सवार होकर मीरापुर जा रहा था, जैसे ही वह बबरवाली मंदिर के निकट विराट कोहली राजमार्ग पर पहुंचा इसी दौरान बिजनौर की ओर से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। साइकिल में टक्कर लगते ही साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में चोरों के हौसले इन दिनों इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोर बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला मंगलवार की देर रात कोतवाली क्षेत्र के गांव पीना का है जहां कुछ अज्ञात शातिर चोरों ने एक रात में दो घरों को अपना निशाना बनाते हुए लगभग 50 लाख से भी अधिक की ज्वेलरी और नकदी की चोरी कर ली और सनसनी फैला दी। दरअसल कल रात कुछ अज्ञात चोरों ने गांव पीना में राजवीर सिंह के मकान पर उस वक्त बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे डाला जब घर में सभी लोग एक अलग कमरे में सोए हुए थे। उसी दौरान शातिर चोर अन्य में रखा लाखों रुपए का सामान समेट कर फरार हो गए। यही नहीं कल रात गांव के ही अनिल नामक एक व्यक्ति के यहां भी चोर चोरी कर लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। दोनों परिवारों को घटना की जानकारी सुबह सवेरे नींद से जागने पर लगी जिसके बाद आनंद फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 माह पूर्व इसी गांव में दो मकानों में बदमाशों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी जिसका पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर है जिसके चलते यहाँ के लोगों में पुलिस की कार्य प्रणाली पर रोष व्याप्त है। तोड़े तो सोना गया जी और चांदी गई जी और सिक्के गए कई सारे 17-18 और जी क्या सर जी दो ढाई लाख रुपए जी जी कुछ तो चाहिए जी तो लूट खुल जाए ये चाहती है चोरी खुल जाए खुलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा ने हसनपुर में बाईपास पर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल बढ़ती तेल की कीमतों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने कहा कि आज देश में केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ गई है। पूरा भारत देश विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी की चपेट में है और देश में लॉकडाउन लगने के कारण लोगों को आर्थिक व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को हर तरीके से राहत दे। मोदी जी की जन विरोधी सरकार देश में लगातार महंगाई बढ़ा रही है। आज डीजल 92 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए के पार है और गैस की कीमत 900 रुपए का सिलेंडर, सरसों का तेल लगभग 200 रुपए लीटर और महंगी बिजली मोदी सरकार ने दी है। किसान व्यापारी सभी परेशान हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर जनहित में आंदोलन कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अपनी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आदेश पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आदेश पर हम जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा के लोग अपने सीनियर नेताओं आदरणीय तारिक मोहम्मद खान साहब, प्रदेश सचिव चौधरी समीम अयूब साहब, हरिओम पुष्कर जी, डॉक्टर अमरुद्दीन जी, ओमकार राणा जी, तमाम साथियों के साथ हम मोदी सरकार द्वारा जो लगातार डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और इस हस्ताक्षर अभियान सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा क्योंकि जनता पर जो इस महंगाई की मार पड़ रही है शायद मोदी जी को इसका आवाज नहीं है। आज पहले से पूरा देश हमारा कोरोना महामारी के चपेट में है और उस बीमारी के वजह से देश में जो लॉकडाउन लगा है उससे देश की और देश के नागरिकों की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। ऊपर से मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार जो महंगाई मोदी सरकार बढ़ा रही है उससे आम आदमी महंगाई के और कर्ज के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है। उन सब के खिलाफ हम हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम। कब तक चलेगा यह अभियान? ये शाम 4 बजे तक चलेगा और कल भी चलेगा।
अमरोहा में शराब के ठेकेदार की दबंगई देखने को मिली है, जहां ओवररेटिंग की कवरेज करने पर बौखलाए ठेकेदार ने एक निजी अखबार के पत्रकार को जमकर पिटाई की और यहां पर पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। दरअसल यह पूरा मामला अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक शराब के ठेकेदार की दबंगई देखने को मिली। दरअसल एक निजी अखबार के पत्रकार ने ओवररेटिंग की कवरेज की थी, जिसके बाद बौखलाए ठेकेदार ने पत्रकार की जमकर पिटाई की और पुलिस भी इस दौरान तमाशबीन बनती रही। अमरोहा के सैद नगली में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो जाने से महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो बच्चों सहित चार लोग घायल हो गए। घायलों को चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जबकि महिला का बिना किसी कार्रवाई के अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र के कस्बा उजारी के मोहल्ला जुगाड़ू अड्डा निवासी नाजिम अपनी पत्नी रुखसार जहां के साथ दवाई लेने के लिए सैद नगली आ रहा था, जैसे ही उसने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले रखा था, जब नाजिम की बाइक सैद नगली के एंटी डिग्री कॉलेज के निकट पहुंची तो सामने से अमित पुत्र अनिल की बाइक से नाजिम की बाइक की टक्कर हो गई। दोनों बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार चार लोग घायल हो गए, महिला रुखसार जहां की मौके पर मौत हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद के सर्वट रोड स्थित मिशन पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पिछले दो दिनों से लगाए गए कोविड 19 टीकाकरण कैंप में आज तीसरे दिन भी भारी संख्या में जनता की भीड़ देखने को मिली, जहां पर 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के ऊपर के व्यक्ति को कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जनता ने पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। स्कूल के प्रबंधक देव पुष्पुंडीर ने कहा कि यह कोरोना वैक्सीन सभी के लिए लाभदायक है और यह सभी को लगवानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लग सके, उसी के मद्देनजर यह हर क्षेत्र हर वार्ड स्कूल आंगनबाड़ियों के द्वारा कैंप लगाकर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। ये कैंप सलवट रोड पे गजा वाली पुली है, वहाँ पे मिशन पब्लिक स्कूल है जिसका मैं प्रबंधक हूँ। विगत तीन दिनों से यह कैंप लगाया जा रहा है, जिसे भारी संख्या पर यहाँ के सभी वार्ड के या अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोग सभी यहाँ इसका लाभ उठा रहे हैं। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? हमारे विद्यालय में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए 18 साल से ऊपर 18+ और 45 इससे भी ऊपर की सभी की वैक्सीन लगाई जा रही है। क्षेत्र में जनता को मतलब किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का प्रयास है कि घर घर तक ये वैक्सीन पहुँचे, उसी के अनुसार ये अब क्षेत्र के हिसाब से विद्यालयों में और आंगनबाड़ी के द्वारा सभी के द्वारा ये इतना प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन के लिए प्रयासरत हो सके और सुगमता से उपलब्ध कराई जा सके। ये चीज़ देवी अहिल्याबाई रोड जिसे कच्ची सड़क के नाम से जाना जाता है, उसमें मिशन पब्लिक स्कूल में विगत तीन दिन से ये हमारा वैक्सीन का कैंप चल रहा है, जो कि 18 साल से ऊपर के सभी आयु वर्गों के लिए हैं, दूसरी डोज वालों के लिए भी है। और इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में तीन दिन से भारी भीड़ यहाँ चल रही है और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी प्रेरणा से और माने योगी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। चूँकि ये कावड़ मार्ग भी है, इस नाते भी पार्टी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये शिविर बहुत अच्छा शिविर चल रहा है। इसमें कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? इसमें कोविडशील्ड वैक्सीन यहाँ लगाई जा रही, जिन लोगों की पहली डोज हो या दूसरी हो, कोविडशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ लगाई जा रही है और बहुत अच्छा हमारा काफ़ी संख्या में लोग यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ हमारे विद्यालय प्रबंधन मिशन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर देव पुष्पुंडीर द्वारा और प्रधानाचार्य सुषमा पुंडीर जी द्वारा और इस क्षेत्र की सभासद कुसुमलता पाल द्वारा निरंतर इस शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, जो कि शिविर की प्रशंसा करने मैं बीजेपी का उपाध्यक्ष होने के नाते करता हूँ। और साथ साथ यहीं हमारी मंडल की टीम कपिल त्यागी जी, नंद किशोर जी और हमारे बूथ अध्यक्ष हैं नितिन अरोरा हैं और हाँ सचिन प्रजापति और क्या नाम उसका चलेगा आपका? हमारी इच्छा तो है कि हमने डिमांड ये करी है कि 3-4 दिन कैंप हमें और मिले, बाकी डोज पे निर्भर करेगा, अगर डोज मिलती रही तो ये निरंतर कैंप चलता रहेगा। बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।
है।